जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। हमारे पास उत्तर प्रदेश के लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने ये घोषणा की थी कि हर शुक्रवार को यहां महिलाओं की समस्याएं सुनी जाएंगी और उसका निराकरण किया जाएगा। इसी के तहत आज शुक्रवार है, शुक्रवार को डीएम अभिषेक प्रकाश ने खुद महिलाओं की समस्याएं सुनी और उसके निराकरण की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि महिलाओं की जो समस्याएं उन्होंने सुनी है उसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा, उसका हल किया जाएगा। इस संदर्भ में हमारे यूपी ब्यूरो कमाल अहमद खान ने बातचीत की अभिषेक प्रकाश से। प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति जिसके कोई भी प्रार्थना हो वो उसके ऊपर त्वरित और उचित कार्रवाई हो, 100% उनके शिकायतों का निराकरण हो। कोई गवर्नमेंट की योजना है तो उसका भी लाभ 100% मिले। इन्हीं चीजों को देखते हुए और बेहतर ढंग से करने के लिए लखनऊ में हम लोगों ने हर फ्राइडे को 11 बजे से लेकर 1 बजे तक विशेष रूप से महिला समस्या समाधान दिवस रखा हुआ है, जो कलेक्ट्रेट कार्यालय में भी होता है, विकास भवन, अन्य तहसील ब्लॉक कार्यालयों में भी किया जाता है। आज जैसे कि अभी तक लगभग 10 समस्याएं आ चुकी हैं जो विशेष रूप से महिलाओं से प्राप्त होती है, इनमें से 3 का निस्तारण और निराकरण मौके पर है। इसके अलावा नए राशन कार्ड के लिए या आवास के आवंटन के लिए, शहरी आवास के आवंटन के लिए हर प्रकार की लोगों की प्रार्थनाएं और समस्याएं हैं और यही कोशिश की जा रही है कि उनका 24 घंटे के अंदर या मैक्सिमम 48 घंटे 100% कोरोना निराकरण। तापमान बढ़ता जा रहा है और गर्मी की वजह से लोग खासे परेशान भी है। परेशान लोगों को राहत देने की गरज से कुल्टी में एक कैंप लगाया गया और इस कैंप के जरिए ट्रैफिक विभाग की तरफ से ज़रूरतमंदों को पानी दिए गए, राहगीरों तक पानी पहुंचाने का काम किया गया ताकि राहगीरों को राहत मिल सके। आपको बता दूं कि इम्तियाजुल हक जो ट्रैफिक के इंचार्ज हैं उनकी देखरेख में ये शिविर लगा और इस शिविर के माध्यम से राहगीरों को ठंडा पानी पिलाया गया। रेलवे द्वारा फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा और आसनसोल से होकर यह कॉरिडोर गुजरेगा, इसे लेकर दुकानदारों में काफी भय व्याप्त है। आसनसोल के छोटे दुकानदारों ने आज भी मशाल जुलूस निकालकर अपने विरोध को सामने रखा। उनका कहना है कि रेलवे उन्हें लिखित तौर पर दे कि उनका पुनर्वास किया जाएगा, उन्हें अगर हटाया जाता है तो उनका पुनर्वास भी होना चाहिए। इस तरह की बातें दुकानदारों का कहना है।
पुनर्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं है। आज हम लोग पुनर्वासन के उधर पुरुलिया में नितुरिया थाने की तरफ से भी ठंडा पानी पिलाकर लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। तमाम राहगीरों को ठंडा पानी पिलाया गया। सुभाष सेतु पुल के पास एक शिविर लगाकर लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे सीआई सुजीत पति की देखरेख में। उनकी मौजूदगी में यहां शिविर का आयोजन किया गया और शिविर के दौरान थाने के और भी दूसरे अधिकारी मौजूद थे और सभी ने अपने अपने तरीके से सेवाएं दी और सभी को राहत पहुंचाने का काम किया। हमारे रिपोर्टर राजन सिंह की रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भी गर्मी की वजह से लोग खासे परेशान हैं। गर्मी की वजह से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी 43 डिग्री सेल्सियस यहां का तापमान नोट किया गया और इस दौरान लोग काफी परेशान दिखे। आपको बता दूं कि यहां विभिन्न संस्थाओं की तरफ से लोगों की मदद भी की जा रही है और इसी के बीच हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की एक चिकित्सक से। डॉक्टर का कहना है कि पानी बार बार पीना चाहिए, पानी जितना ज्यादा पियेंगे गर्मी से आपको राहत मिलेगी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। সবাইকে অনুরোধ করব সবসময় ছাতা ব্যবহার করতে, প্রচুর পরিমাণে জল খেতে, ফল খেতে, এবং সবাই যেন বাইরের খাবার অ্যাভয়েড করে। প্রচুর পরিমাণে যদি জাঙ্ক ফুড খায় বা তেলে ভাজা মশলাদার খাবার খায়, পেট কিন্তু খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, হিটস্ট্রোক হচ্ছে। সবাইকে সবসময় বলবো শরীরে যেন জলের পরিমাণ ঠিক থাকে, ওআরএস, নুন পানি এই ধরনের খাবার বেশি করে খেতে হবে, ঝাল মশলা খাবার একদম বন্ধ। খুব প্রয়োজন না হলে রোদে বেরোবেন না, বাইরে ঘুরোঘুরি করবেন না, ঘরেই থাকার চেষ্টা করুন। তাদেরকে বলবো বেশি করে জল খেতে, দই, শরবত, ছাতুর ঘোল এই ধরনের খাবার খেয়ে বডি ফ্লুইড লেভেলটা যেন ঠিক থাকে, তাইলে কোনো রকম অসুবিধা হবে না। এই পেশেন্ট যারা হাইপারটেনশন, যারা ডায়াবেটিস এই ধরনের পেশেন্টদেরকে সাবধানে থাকতে হবে, তাদেরকে খুব সাবধানে খাওয়া দাওয়া করতে হবে এবং শরীরের দিকে নজর রাখতে হবে।